River Kosi, Bagmati and Gandak, these are the three rivers which has caused devastation in the entire North Bihar, especially 13 districts of Bihar, and it has caused breach of embankment at 7 places. We are right now in Sitamarhi. This area, entire region has been affected by breach of embankment by River Bagmati. If you can see, I am in one of the villages which is submerged by flood water, and this was supposed to be one of the fields where we are now rowing the boat. This is the SDRF team we are accompanied by. SDRF is the State Disaster Relief Force. So both the NDRF and the SDRF team, they have been deployed in the entire flood region. Their job basically is to rescue people who are marooned, who are stuck and who are stuck inside their houses. Sir, ये बताइए कि आप लोग तो 2-3 दिन से यहाँ जुटे हुए हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं जब आप लोगों को निकालने जाते हैं या उन तक आप जब राहत सामग्री पहुँचाने की कोशिश करते हैं? जी, हम लोग जिस घर में जाते हैं वहाँ के लोग हमें पकड़ लेता है। हम कई जो है ना, जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ की जनता है, जिस घर में हम पहुँचते हैं वो अपना पूरा साजो सामान निकाल के, यहाँ तक कि चौकी वगैरह जो भी है, बकरी है, उसमें भैंस का बच्चा है, जो भी किस प्रकार का है, वो हमें वहाँ से आने नहीं देते हैं। और हम लोगों को मारने के भी ये लोग धमकी देते हैं। और हम लोग हमारा कोशिश यही रहता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी महिला, बच्चे, बुजुर्ग को दें, उसके बाद से फिर हम सबको निकाल कर। ऐसा भी होता है कि आप जाए, बहुत लोग बोलता है कि नहीं, हम जाएंगे नहीं, हम जाना नहीं। इस प्रकार की काफ़ी घटनाएँ होती है। हर घर के ऊपर जो है ना, 1-2-3 आदमी जो है ना, हर घर घर में रहना चाहते हैं, अपनी चोरी के मद्देनज़र रखते हुए वो सोचते हैं कि हमारा सामान चोरी हो जाएगा, जिसके वजह से वो निकलना नहीं चाहते हैं।